नमस्कार राजेश सर, क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में भौतिक परिवर्तन तथा रासायनिक परिवर्तन पर चर्चा होगी। तो देखिए, भौतिक परिवर्तन, फिजिकल चेंजेस, पदार्थों में ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ की अवस्था, रंग, आकृति इत्यादि गुणों में परिवर्तन तो होता है, लेकिन पदार्थ की आंतरिक संरचना में कोई परिवर्तन नहीं होता, भौतिक परिवर्तन कहलाता है। पदार्थों में ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ की अवस्था, रंग, आकृति इत्यादि गुणों में परिवर्तन तो होता है, लेकिन पदार्थ की आंतरिक संरचना, आंतरिक बनावट में कोई परिवर्तन नहीं होता, भौतिक परिवर्तन कहलाता है। भौतिक परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बनता। भौतिक परिवर्तन के यदि कारण को हटा लिया जाए तो पदार्थ अपनी मूल अवस्था अर्थात सामान्य अवस्था में आ जाता है। अब देखिए भौतिक परिवर्तन के कुछ उदाहरण, जैसे जल है। जल को यदि हम ठंडा करें, जल को ठंडा करेंगे तो ये बर्फ में बदल जाएगा। यहाँ पर क्या हो रहा, अवस्था परिवर्तन हो रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है, अवस्था परिवर्तन हो रहा है। इनके आंतरिक संरचना में कोई परिवर्तन नहीं है, क्योंकि यह जल है, ये इसकी ठोस अवस्था है। यानी यहाँ पर H2O है, यहाँ भी H2O है, इनकी आंतरिक संरचना में कोई बदलाव नहीं। जैसे लोहा है, लोहा को यदि गर्म किया जाए, लोहे को यदि गर्म किया जाए तो ये लोहा ही रहेगा, लेकिन इसका रंग जो है ये भूरे रंग का होता है, और गर्म करने पर ये लाल रंग का हो जाता है। तो यहाँ क्या हो रहा है, रंग परिवर्तन हो रहा है। इसी प्रकार यदि एक छड़ है, उसको बल लगाकर मोड़ा जाए तो इस प्रकार भी हो सकता है। तो यहाँ क्या हुआ, आकृति परिवर्तन हुआ। यानी जो भौतिक परिवर्तन है इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता, आंतरिक संरचना में कोई परिवर्तन नहीं होता, केवल बाहरी परिवर्तन जैसे अवस्था, रंग, घनत्व, आकृति इत्यादि गुणों में परिवर्तन होता है। तो इस प्रकार के परिवर्तन को हम क्या कहते हैं, भौतिक परिवर्तन। अब आगे देखें रासायनिक परिवर्तन, केमिकल चेंजेस। रासायनिक परिवर्तन, केमिकल चेंजेस, पदार्थों में ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ की आंतरिक संरचना में परिवर्तन होता है तथा नए पदार्थ बनते हैं, रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। पदार्थों में ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ की आंतरिक संरचना, आणविक संरचना में परिवर्तन होता है तथा नए पदार्थ, नए गुण वाले पदार्थ बनते हैं, रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। अब देखिए रासायनिक परिवर्तन के कुछ उदाहरण, जैसे कोयले का दहन। कोयले का दहन, यदि कोयले को हम जलाएंगे तो कार्बन ऑक्सीजन के साथ संयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाएगा। तो यहाँ एक नया पदार्थ, दो पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ बना रहे हैं, तो यहाँ पर आंतरिक संरचना में परिवर्तन हो रहा है। दूसरा है दूध से दही का बनना, दूध से दही का बनना, यहाँ भी क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। तीसरा है लोहे में जंग लगना, तीसरा लोहे में जंग लगना, ये सब क्या है, ये सब रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं, क्योंकि दूध का जो गुण है और जो दही का गुण है अलग अलग, भिन्न भिन्न है। ये किण्वन के द्वारा दूध से दही बनता है। यहाँ लोहे को यदि हम नमी में छोड़ देंगे तो इस पर जंग लग जाता है। तो ये सब क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। नमस्कार।